Assalamualaikum, ladies and gentlemen. My name is Momin Saqib और मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप तैयार हैं for the 8th Thumb Awards happening on the 24th of September at the First Ontario Centre, जहाँ पे मैं nominate हुआ and I am super excited to be at the event and have so much fun. So I want you all to go and book your tickets right now. On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. To advertise in Canada, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca. अरे यार, आप लोग अभी तक गए नहीं? Go and book your tickets right now. उसने हमारा निकालना देख लिया था। नालिया, मैं तो नहीं चाहती थी कि तुझे सब कुछ पता चले। तूने जिद की ना बेटा। मैंने फैसला कर लिया है कि दो प्यार करने वालों को मिलवाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए ना, तो मैं जान दे दूंगा। तलाक क्या चीज है? प्यार के दावे मेरे साथ किए थे तुम और घूम फिरी थी विकी के साथ। तुम्हारे दिल पे शको शुबा तो बस किसी की तह जमी भी है साथ। लेकिन उसी हॉल के नीचे एक मासूम दिल भी था जो मैंने देखा। हाय, बहुत अच्छी बात हो गई, बहुत मुबारक हो बहन। मैं तो अपने हाथों से ये रसगुल्ला खिलाऊंगी। मैं पहले पढ़ लू। मुबारक, बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। मैं ये कह रही थी कि अगर शादी से पहले ना लड़का लड़की एक दफा मिल लेते तो। हाँ, नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता ये तो। अस्तग़फ़िरुल्लाह। लेकिन इसमें बुरी बात क्या है? बुराई तो कोई नहीं, लेकिन समझन जी, अगर कोई शक शुबे वाली बात है तो अभी बता दे। ए, ये नौ लड़के ने अभी हाँ कर दिया, बाद में इनकार कर दिया, खाम खाम एक बच्चे का नाम आपके लड़के के साथ जुड़ जाए और फिर हमारी बदनामी हो। नहीं नहीं, मेरा बेटा तो बहुत फर्मा बरदार है, मेरी हर बात मानता है। हाँ, ना बिचारे फर्मा बरदार, मैं तो कहती हूँ माँ का पल्लू से तो नहीं बन जाना चाहिए। कुछ कह रही है? नहीं, मैं कह रही हूँ कि तो बहुत अच्छी बात है कि फर्मा बरदार है, अच्छी बात। अब देखो ना बहन, आप लड़की देख ली, मैंने लड़का देख लिया, जब बड़ों ने देख लिया फिर बच्चों को मिलवाने की क्या जरूरत है ना? नहीं नहीं, वो आज करके लड़का लड़की होते हैं ना, वो बातें करते हैं आपस में तो वो अंडरस्टैंडिंग। नहीं समझन जी, हमारे यहाँ ये अंडर वंडर एन ऑप्शन आप नहीं होता, बस सादगी से शरई तरीके से सीधा निकाह होता है। मुझे तो लगता है कि आप लोग कुछ मॉडर्न किस्म के लोग ढूंढ रहे हैं, मॉडर्न किस्म की लड़की ढूंढ रहे हैं आप। वो मैं तो नहीं हो सकती हूँ, और बेशक मैं मासूम बच्चे का मुस्तकबिल दांव पे लग जाए, लेकिन मैं अपनी ईमान और रस्म और रिवाज से रूगर्दान की कायल नहीं हूँ। आगे आपको जैसे मुनासिब लगे। अरे नहीं नहीं, आप तो बुरा मान गई, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। आपकी आलिया हमें बहुत पसंद है। बस छोड़े सारी बातें, ये बताएं कि बारात की तारीख कौन सी रखे? ये अच्छी बात की, तो ये ईद की आमद आमद है तो ईद का पहला दिन छोड़ के किसी भी दिन रख लेते। ये बड़ी ईद, ये तो सर पर है, इतने से दिनों में कैसे तैयारी कर लेंगी आप शादी की? बहन, मैं तो अकेली बेवा हूँ, मैंने क्या तैयारी करनी शादी की है, ऐसा कोई जश्न तो करना नहीं। वैसे भी ये धूम धड़क के मैं बिल्कुल कायल नहीं हूँ। मैं तो कहती हूँ कि आप लोग आए सादगी से बच्चे को दो कपड़ों में लेके है चले जाएगा कैसे। लेकिन है ना, वो लड़के के मामू आने का कह रहे थे बाहर से, पिछली दफा आए थे, क्या तमाशा हुआ था आपको तो पता है, अब इतनी जल्दी। बहन, बात ये है कि अगर आपने मेरी बच्ची से ब्याह करना है अपने लड़के का, तो यही दिन है, पढ़ा है मैंने, इस्तखारे में अच्छे हैं, वरना मेरी आलिया के तो इतने रिश्ते आ रहे थे, इतने रिश्ते आ रहे थे, सब सब मैंने आपकी वजह से ठुकरा दिए। बाकी आप मुझे ऐसे ठीक लगे। अब सोच के रहिए मनु सूरत, या जल्दी से हाँ बोल दे, यही मौका है। वहां जाहिद और माँ जबीन एक साथ हज पर चले जाए और पीछे से मैं आलिया को रुक सकता। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको।
मामा क्या हो गया है? रो क्यों रही है? ऐसा लग रहा है जैसे जान निकल रही है, मौत का फरिश्ता रूह कब्ज कर रहा है। अरे अल्लाह ना करे अम्मा, क्या कैसी बातें कर रही हो? हुआ क्या है बताओ तो सही, कि माजबीन जी ने कुछ कहा है या जाहिद ने कुछ कहा है आपसे? चूल्हे में गया वो जाहिद, वो मुझे क्यों कुछ कहने लग गया? मैं गई थी तेरे ससुराल लड़के वालों के घर। अच्छा माँ, तो इसमें रोने की क्या बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं वैसे भी अब मेरे नसीबों को रोना छोड़ दो, मेरी किस्मत में शायद धोखे और तन्हाइयां ही हैं। तेरी किस्मत में क्यों लिखी होगी तन्हाइयां, लिखी हो तेरे दुश्मनों की किस्मत। बता मुझको, तू तो जाएगी अपने ससुराल बड़े घर जाएगी, आयाशी की जिंदगी गुजारेगी सारी उम्र, खुश रहेगी मेरी बच्ची। तू तो आयाशी की देखेगी इंशाल्लाह। देख ना, मैं ना तेरा दिन पक्का कर रही हूँ, तारीख पक्की कर दी है मेरे ईद के। इधर मुझको ईद के बड़े रोज। अच्छा तो इसमें रोने की क्या बात है अम्मा, आपको तो खुश होना चाहिए ना। वो तो मैं आलिया इसलिए रही हूँ कि जिस दिन का मुझे तेरी पैदाइश से लेके आज तक इंतजार था, जिसके लिए परेशान थी, वो बात नहीं हूँ मैं। मैं तेरी तारीफ पक्की करके आ गई, लेकिन फिर तेरी जुदाई का सोच के अरे जगट रहा है, सोची तो चली जाएगी तो मैं कितनी अकेली हो जाऊंगी बच्ची। अम्मा तो मत भेजो ना मुझे, यही अपने पास रखो। आलिया ऐसे थोड़ी होता बेटा, ये तो दुनिया की रीत है, रिवाज है, लड़के को तो अपने घर जाना ही होता, पर माँ का जी है ना तो कलेजा तो कटेगा है। लेकिन ऐसे खुद गर्ज नहीं कि अपनी तन्हाई की खातिर बिन ब्याई तुझे घर में बिठा के रखूँ। तो देखना मेरी बच्ची, मुझे दुआ करती हूँ मैं, अल्लाह से इतनी दुआ करती हूँ बच्ची के नसीब अच्छे हो, मेरी बच्ची खुश रहे, ढेर खुशियाँ मिले, लाखों खुशियाँ मिले मेरी बच्ची को, हाय अपने ससुराल में खुश रहे, अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। आलिया तूने मेरी दुआ कबूल करी, लाख लाख शुक्र। एक धोखा तोड़ देती है भरोसा, शायद तुम। अबे यार ये कहां से आ गया, कहीं बुढ़िया ने इसे सब बता तो नहीं दिया? क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो जा नहीं रहे थे? हाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा एक दफा जाने से पहले नायला से मिल सकता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारी बहन का घर है, आओ मिल लो। नायला, नायला, हाय, यहाँ कैसी हो? नायला अगर मुझसे मेरे फराइज के जुम्मन में कोई गलती हो गई हो ना तो माफ कर देना मुझे। नीयत बिल्कुल साफ थी,
देखा, मैंने कहा था ना कि वो जा रहा है। चलो चलो, तुम भी अपना सामान बांधो, तैयारी पकड़ो शुक्र के घर जाने की। चलो। क्या मैं समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? पहला क्या सोचने लगी हो? चलो ले लो ना। ए माँ, जब इन्हें ऐसे हवनों की तरह क्या देख रही हो? यह आलिया की शादी की मिठाई है। क्या? आपने तो मुझे बताया ही नहीं। हाँ, वो बस मैंने सोचा तुम अपनी तैयारियों में इतनी मसरूफ होगी, कहाँ मेरे साथ सर खपाती फिरोगी। हाँ, मगर आपा कब है शादी? ईद के 2 दिन बाद। आपा? हाँ मुझे पता है माँ जबीन, तुम शिरकत नहीं कर सकोगी, लेकिन माँ जबीन तुम जो काम करने जा रही हो वो ये दुनियावी कामों से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके ससुराल वाले इसी तारीख पे इसरार कर रहे थे, अब मैं मना कैसे कर देती हूँ? नहीं, ठीक किया आपने आपा, लेकिन मैं आलिया की शादी के लिए कुछ करना चाहती थी। हाँ तो ये कौन सी मुश्किल बात है? ये माँ जबीन, मैंने ये सुना है कि जब हज करने जाओ तो किबले पर जब पहली नज़र पड़ती है जो दुआ मांगो हाँ वो मिलता है, वो कबूल होती है, तो तुम आलिया के लिए ढेर खुशियों की दुआ कर लेना है। यहाँ फोन क्यों नहीं उठा रही? अल्लाह खैर करे। कौन है भाई? कौन? अम्मी मैं हूँ नायला, दरवाजा खोले। हाँ हाँ बेटा एक मिनट। अम्मी मैं आपको कब से कॉल करी थी, आप मेरा फोन क्यों नहीं? अम्मी ये लो। क्या हुआ आपका? आपकी तबीयत तो ठीक है? चक्कर आ गया बेटे। आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं रिक्शा लेके आती हूँ, हम अभी हॉस्पिटल जाते हैं, सही है? बैठे मैं आ रही हूँ, रुको तो सही। अच्छा चक्कर क्यों आ रहे हैं? ये है तुम लोगों के हज के कागजात, ये मुकम्मल हो गए सारे, और जिस ग्रुप के साथ तुम लोग जा रहे हो ना हज करने के लिए, उनको बता दिया तुम लोगों की टिकट जो है जहाज के वो लाहौर से होगी। लाहौर से? हाँ ना, ये सब कुछ राजदारी से हो जाए तो अच्छा है। क्या फायदा राजदारी से होने का, जज्बात का डर था वो तो हो गई। हाँ माँ जबीन, या तुम्हारे अजीम जज्बे की वजह से मेरी बच्ची मासूम आलिया का दिल तो टूट गया ना, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने तो ये सब कुछ नेकी के लिए किया है, और नेकी तो नाम है कुर्बानी का है। आजकल के जमाने में नेकी करो तो उसका खमियाजा तो भुगतना ही पड़ता है, वरना को बुराई क्यों करता, सब नेकुकार ही होते। अब ये नेकी का काम जितना जल्द हो सके उतना अच्छा है। जाना कब है? इसी हफ्ते निकलना है, लेकिन जाहिद मियां तुम्हें 3 रोज पहले निकलना होगा ताकि किसी को शक ना हो, माजबी को बाद में भिजवा दूंगी। मैं फिर से कहूंगी, अब इस राजदारी का कोई फायदा नहीं, मुझे अब इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। सेठी साहब के खानदान वालों को तो पहले ही पता चल चुका है, और जिस तरह आलिया को पता चला, ऐसे नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके आगे, और अब जमाने भर के जाहिद मियां को महरम तुमने खुदा के लिए बनाया, जब अल्लाह को सब मालूम है तो फिर दुनिया वालों की क्या फिक्र करना, और अगर तुम्हें इतना ही मसला हो रहा है तो हद से हो आओ दोनों तुम लोग, हैं? उसके बाद आके निकाह का ऐलान कर देना, क्यों जाहिद मियां? जो रिश्ता रहना ही नहीं है उसके ऐलान करने का फायदा क्या मतलब? माजबीन जी, लगता है आपसे कोई गलतफहमी हुई है। जो इंसान आप मुझ में ढूंढ रही हैं मैं वो नहीं हूँ। अरे क्या कह रहे हो, क्या ऑल फॉल बोली जा रहे हो जाहिद मियां? कौन सा इंसान, कैसे गलतफहमी? माजबीन जी, मैं आपका साथ और नहीं दे पाऊंगा।
और मैंने फैसला कर लिया शिवरात्रि में खाला, जैसे ये फर्ज अदा होगा हद से वापस आके मैं माजबीन को तलाक दे दूंगा। जब भी जाना होगा मुझे बता दीजिए तो मैं तैयारी कर लूंगा। देखो तो सही इसको, कैसी आकड़ इस लड़के में, कैसे निकल के गया खूबा में, जैसे को फिल्मों का हीरो और मेरी माँ जमीन इसके पीछे मरती फिरेगी। हाँ मगर मैं तो माँ जमीन तुम्हें क्या लगा था कि इस लड़के का दिल धड़केगा किसी के लिए? ना कदरा है लड़का, ऐसे किसी की कदर नहीं है, तुम्हारी भी नहीं। कहाँ चली गई? लगता है भाग गई, घर भी साफ पड़ा है। खैर मुझे क्या, खस कम जहां पाक, कितनी नेक बनती थी, दिल में तो लड्डू फूटते होंगे ना मेरे मुंह से शकूर का नाम सुनकर। मौका मिला नहीं कि भाग गई। हा हा तुम कहाँ चली गई थी? हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल क्यों? मम्मी की तबीयत खराब है, उनको सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, कुछ सामान लेने आई हूँ बस। ओ अच्छा, मुझे लगा तुम कि मैं भाग गई। नहीं मुझे गलत मत समझो, मैं ये कह रहा था कि मुझे ये लगा कि मेरी बीवी एक बेवफा औरत थी। आप अगर मुझे तलाक दे भी देना विकी, तो भी मैं शकूर के पास कभी नहीं जाऊंगी, सीधा अपने भाई के घर जाऊंगी। और मेरे भाई से मेरे नाम पर आपने जो पैसे ऐंठे हैं ना, वो भी आपको वापस करने पड़ेंगे, समझे आप? तुम अब इस तरह बात करोगी तुम मुझसे? शायद यही लहजा समझ में आ जाए आपको। मैं अपने कपड़े लेने आई हूँ, आ जाओ मम्मी के पास ही रुकूंगी। मैं चलूं? जी नहीं। शबरातन आपा? हाँ। क्या हो गया माँ जबीन, कुछ रह गया? जी ये ले लीजिए। ये क्या है? ये आलिया के लिए तोहफे। उसकी शादी में शिरकत तो नहीं हो पाएगी, लेकिन उसकी शादी के लिए मैं उसको कुछ देना चाहती थी। बुरा ना मानना माँ जबीन, पर ये मैं ले सकती हूँ। क्यों नहीं ले सकती? इसमें कुछ नए और पुराने कपड़े हैं, और पुराने बहुत कीमती है और जेवर भी है। अच्छा अगर ये नहीं चाहिए तो मैं नए बनवा देती हूँ। हाय माँ जबीन, ये बात नहीं है, बहुत भोली हो। कभी कभी ना मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे भोलेपन और मासूमियत पे ना मार ही जाऊं। तुम्हारी देवी चीज कभी मामूली हो सकती है? ये बात नहीं है। अच्छा ये तुमने देने हैं तो अपने हाथ से देना आलिया। ये क्या कह रही हैं आप? मैं आलिया का सामना भला कैसे कर सकती हूँ, आप तो सब जानती हैं। है? ऐसा क्या हो गया? आलिया ही तो है, उसकी नाराजगी को रखो जूती की नोक पे, उससे क्या डरना, कोई खा तो नहीं जाएगी तुमको। खाई जाती तो मेरे लिए काबिले बर्दाश्त होता, उसकी खामोशी मुझसे देखी नहीं जाती। आपा आलिया तो बात बात पर आसमान सर पे उठा ली, अब मुझे लगता है कि मैंने अपने हाथों से उसका गला ही खोल दिया है। ये तो है, मैं भी बहुत हैरान हूँ कि इतना सब कुछ उसने ऐसे खामोशी से कैसे से। पर ठीक है, मैं तो परेशान होती थी कि इन तेवरों के साथ ससुराल में बसेगी कैसे। चलो अच्छा हुआ ससुराल जाने से पहले जरा ट्रेनिंग होगी। अब देखो माँ जबीन, लाड प्यार से उसे सर पे भी तुम नहीं चढ़ाया तो हक भी जता सकती हो ना। अगर देने हैं तो अपने हाथ से दो और हाथ से दो। Thank you.
आज तो तू पिटे ही पिटे। अब तक तो इसे पता चल गया होगा, क्या करूं क्या करूं। समझ गए ना? ठीक है जाहिद भाई, शाबाश। जाहिद भाई, क्या किसी लंबे सफर पे जाने की तैयारी है? हाँ, लंबे और बहुत जरूरी। क्या कारोबार से भी ज्यादा जरूरी? आपके बगैर हम दुकान कैसे संभालेंगे? बड़ा ऑर्डर है और अब तो शकूर भी। हाँ, कारोबार से भी जरूरी है। और मेरे पीछे छुट्टियां मत करना, दुकान का ख्याल रखना। अरे नहीं नहीं जाहिद भाई, आपको पता है मैं ऐसा नहीं हूँ, आप तो मुझे जानते हैं। पता है, जब ही कह रहा। ठीक है, दुकान की चाबी ले हंस, फोन उठाओ। अल्लाह हाफिज। तो मैं क्या करूं? साहिद भाई, मैं आपको बता रही हूँ, अम्मी बहुत बीमार है। इतने तो संगल ना बने आप, आखिर तुम हमारी माँ है। जितनी बार बोला है कि वो मेरी माँ नहीं है, और तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि दूर रहना उस औरत से। अगर विकी को शक हो गया तो? ये तो पहले। क्या क्या पहले? कुछ नहीं, वो भाई अब आप ही बताएं, इस बेचारगी और बेबसी की हालत में अम्मी को कैसे अकेला छोड़ दूं मैं? भाई, माँ समझ के नहीं तो एक लाचार इंसान समझ के उनकी मदद कर रहे। जब हम छोटे थे, बेबस थे, लाचार थे, तब छोड़ के चली गई थी हमारी माँ। किस तरह के दिन काटे हैं हमने, वो तो जवान थी ना। अब देखो वक्त कैसे पलटता है, आज हम जवान हैं और वो, उनको अपने किए का फल काटना ही पड़ेगा। साहिब भाई, जो रहम नहीं करता ना, उसके साथ भी रहम नहीं होता। क्या आप किसी सूरत अपनी और मेरी माँ को माफ नहीं कर सकते? कभी नहीं। उस दिन जब आप मेरे घर आए थे माफी मांगने, तो क्या मुझे आपको माफ करना चाहिए था? ये देख, बैठ इधर, ये सब कुछ तेरी सास ने भेजा है, तेरे ससुराल से है, तू देख तो सही, कैसे खूबसूरत जोड़े हैं, और ये देख कैसे खूबसूरत जेवरात भेजे, ये देख, हार देखिए, अच्छा लग रहा है ना? ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? कौन सा कीमती पत्थर कब्र पर लगा उससे मैयत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कब्र तो कब्र होती है। आलिया, ऐसी बुरी बुरी बातें नहीं निकालते मुंह से, बदगुमानियां खुशियों को खा जाती है, ना फैला ऐसी बेबरकती। अच्छा देख ना, अच्छा है ना, रंग कितना अच्छा है। मेरे लिए भी तेरी सास ने ऐसे चमकीले भड़कीले कपड़े भेज दिए, मैं अच्छी तरह लगूंगी ना पहनती हुई। वैसे अम्मा, तुम कितनी संग दिल हो, मैं जो कह रही हूँ वो सुन ही नहीं रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चुप ना इन बातों। अच्छा सुन, मैं सोच रही हूँ जो मेरे लिए जोड़े भेजे हैं भड़कीले चमकीले, वो माँ जब इन हाथ से वापस आ जाए ना तो उसको दे दूंगी। है उनको दे दे, वैसे भी अब उन पे ये शोख भड़कीले जोड़े अच्छे लगेंगे। तभी तो मैंने माँ जबीन जी को उनके तोहफे भी वापस कर दिए। तेरे पेट में रह रह के उस बेवफा जायद के दर्द के जो मरोड़ उठ रहे हैं ना, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पर ये तुझे जलील करवाएंगे आलिया, तू छोड़ इन बातों को, कुछ नहीं रखा है। तूने तो वापस कर दिए थे, फिर मैंने रख लिए थे संभाल के। हाँ क्या, क्यों क्यों रखे? अरे तू समझती क्यों नहीं है, ए? कोई इतने प्यार से खलूस से तोहफा दे तो उसे वापस थोड़ी करते हैं।
भाई मैंने ये भी सोचा, तेरे ससुराल वाले भले कुछ ना मांगे पर कुछ ना कुछ तो देना है ना उनको, तो फिर यही सब कुछ दे दूंगी, है देना तो पड़ता है ना, वरना कह देंगे कि बेटी को ऐसे मुफ्ते में रुखसत कर दिया। अच्छा तो जो महजबीन जी के तोहफे हैं वो मुफ्ता नहीं है? नहीं चाहिए मुझे उनकी खैरात या भीख, तंग आ गई हूँ मैं उनकी खैरात पे अपनी जिंदगी गुजार के। खैरात और भीख कहाँ से आ गई ये? ये तो सारा मेरी मेहनत का सिला है, क्या क्या नहीं किया मैंने माजबीन के लिए, कोई एहसान नहीं किया उसने मुझ पे, रातों को उठ उठ के दौड़ दौड़ के भागी हूँ उसके लिए, जूतियाँ घिसाई हैं। हाँ सही कह रही है, झूठ बोले हैं, दिल तोड़े हैं, उसका क्या? क्या लिया तू दे ले तानितिश ने दे ले माँ को, है तुझ तो माँ ऐसी लगती है। लिया कोई अपनी खुशी से किसी की उतरन नहीं पहनता, किसी का झूठा नहीं खाता, मजबूरी होती है आलिया। मजबूरी मजबूरी मजबूरी, बस कर दे अम्मा बेचारी बनना। अब तुझ तो अपनी माँ कभी बेचारी नहीं लगी ना, अपनी माँ कभी मजबूर नहीं लगी ना ये? मजबूरी के नाम पे कितने जुल्म किए अम्मा, हाँ ऐसी क्या मजबूरी थी बताओ मुझे? तेरी सबसे बड़ी मजबूरी तो तू थी ना आलिया, अकेली होती तो किसी भी तरह मार कट के अपनी जिंदगी गुजार लेती, लेकिन तू थी, तुझे पालना था, बेटी जो पैदा हो गई थी तो ठीक है, फिर मैंने किया, धोखे दिए, झूठ बोले, जुल्म किए, सब कुछ किया तेरे लिए किया, ये सब ना करती तो और क्या करती मैं? मुझे पैदा ना करती अम्मा, जैसे जब ताने देती है ना मुझे आलिया, तो मैं वाकई सोचती हूँ कि तू ना ही होती तो अच्छा होता, किसी ना शुक्रिया औलाद से बेहतर है कि औलाद ना हो, जो मेहनत सब तेरे लिए की थी ना अपने लिए कर लेती, मगर अब तो मजबूरी है ना, अब तो तू है, तो एक एहसान कर मुझ पे, शादी कर ले आलिया और अपने ससुराल चली जा, ताकि मैं भी कोई कोना ढूंढ लूं, अपने खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग लूं जो मेरी औलाद ने मुझसे करवाई। समझ लोग सही कहते हैं, मजबूर अगर जालिम बन जाए ना तो उससे बड़ा जालिम और कोई नहीं होता। क्या कर रही है? कपड़े तो देख ले, लहंगा देखना है ना पूरा है कि नहीं है। हाँ बैठना आलिया, आलिया भाई गुलजार टाउन जाना है मैंने। अम्मी आप यहाँ बाहर कहाँ जा रही हैं आप? मैंने छुट्टी ले ली है, मैं घर जा रही हूँ। छुट्टी मगर इधर आए, आपने इधर आए, आपको मालूम है आपकी तबीयत अभी संभली नहीं है। इनसे मेरा इलाज वैसे भी नहीं होना, खाम खा पड़ी रहूंगी मैं, मुझे काम पे भी जाना होता है, मेरी बेगम साहबा निकाल देंगी मुझे काम से। अम्मी आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ अंदर चले आए। मुझे नहीं रहना यहाँ नायला, बस हो गया जितना इलाज होना था। अम्मी क्यों जिद कर रही है, आपको मालूम भी आपको हुआ क्या है? जानती, इसीलिए तो कह रही हूँ, ये मौत नहीं मेरे लिए निजात का परवाना है, इसे मुझसे मत छीन। और क्या तू नहीं चाहती कि अब मेरी अजियत खत्म हो, इसलिए हट मेरे रास्ते से। अम्मी ये सरासर खुदकुशी है। अच्छा है ना, इस जिल्लत की जिंदगी से छुटकारा खुद अल्लाह मुझे दे रहा है, ये तो मेरी तमाम उम्र के सब्र का सेला है शायद, कि अब मुझे खुदकुशी नहीं करनी पड़ेगी, कुदरती मौत मर जाऊंगी और किसी पे बोझ भी नहीं बनूंगी। मम्मी सबसे बढ़कर ये कि मेरा बेटा मुझे धुपकार कर गुनाहगार नहीं होगा। मम्मी काम करते हैं आप मेरे साथ मेरे घर चले आए। मगर बेटे कुछ नहीं सुनूंगी मैं, मम्मी आप मेरे साथ मेरे घर चले आए, आए आज अरे आंटी की तबीयत ठीक हो गई, अच्छा किया अच्छा किया आप लोग आ गए, मैं ना तुम्हें ढूंढने निकल रहा था। मुझे ढूंढने क्यों? वैसे अच्छा कि आंटी भी साथ आ गई, अब गवाह तो चाहिए होता है ना। गवाह की कैसी बातें कर रहे हैं, हम ही चले। नहीं नहीं एक मिनट, आप लोग यहीं रुके,
ये देना था तुम्हें। ओहो ये हाँ, ये 20, ये 10, ये हो गई 30। ये पकड़ो 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 पकड़ो। ये क्या? सॉरी इसमें 2 रुपए कम है। 2 रुपए तो छोड़ ही सकती हो ना तुम मुझे। मैं विकी। अपने पूरे होशो हवास में नहीं, खुदा के लिए ये खसम मत करना विकी। आंटी क्या करती हैं आप, सारा फ्लो तोड़ दिया। इतने अरसे से प्रैक्टिस कर रहा था इस सीन की। जाहिद भी यहाँ पे नहीं है, अच्छा भला मौका था। ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते। फिर से करना पड़ेगा। टेक टू। मैं अपने दिल पे 100 मन का पत्थर रख अपने पूरे होशो आवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अरे आंटी, आंटी 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 आंटी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे चिल 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 करें, क्या कर रही हैं आप? अब तो मैं इसका महरम भी नहीं रहा, वरना अंदर ले जाता आपको। हैं अब तो बाहर ही जाना पड़ेगा आपको। रिक्शा मिल जाएगा वैसे। हैं अब जाते हुए दरवाजा बंद कर दीजिएगा। क्या हो गया नायला? मेरी वजह से? की वजह से कुछ भी नहीं। अब क्या होगा? क्या होगा? जैसे आपकी जिंदगी में कासिम मुत्ती के परवाने को आपने गले लगा लिया था ना, वैसे ये भी मेरी आजादी का परवाना। चलिए अम्मी। सजा मिलेगी जाहिर, मेरा दिल तोड़ने की। लेकिन क्या करूं, मेरे दिल से तुम्हारे लिए बदुआएं नहीं निकलती। लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह करे तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत ना हो, कभी नहीं। क्या है शकूर, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो? अपने लिए कुछ नहीं कर सकी तो तुम्हारे लिए कुछ खाक करूंगी। हाँ और वैसे भी अब मैं जान गई हूँ, दुनिया बहुत बुरी है, बहुत धोखेबाज है। मैंने हार मान ली, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती अब। मैंने अपने लिए कॉल नहीं की है, ना ही आपके लिए कॉल की। मैंने ये बताने के लिए कॉल की है कि नायला बीबी को विक्की ने तलाक दे दिया। क्या? जो रहम नहीं करता ना, उसके साथ भी रहम नहीं होता। क्या आप किसी सूरत अपनी और मेरी माँ को माफ नहीं कर सकते? कभी नहीं। उस दिन जब आप मेरे घर आए थे माफी मांगने, तो क्या मुझे आपको माफ करना चाहिए था? Thank you.
इब्ने